हेलो दोस्तों, आज मैं एक और थ्योरम लेके आया हूँ। थ्योरम इस तरह से, अ सीक्वेंस कैन नॉट कन्वर्ज टू मोर देन वन लिमिट। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि पहले SN कोई सीक्वेंस है, ठीक है, और ये कन्वर्ज कर रही है L और L डैश। हम पहले मान लेते हैं कि इसकी दो लिमिट पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही है, हम इसको कंट्राडिक्शन से प्रूव कर देंगे। ठीक है, तो हमने पहले सीक्वेंस ली जो कि हमने मान लिया कि L और L डैश पे कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, अब सीक्वेंस की डेफिनेशन लगा लेते हैं। मान लेते हैं कि फॉर एवरी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, देयर एग्जिस्ट एम वन एम टू सच दैट मॉड ऑफ SN माइनस एल वन स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम वन SN माइनस एल डैश स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम टू। ठीक है, अब चूंकि ये हर एक एप्सिलॉन के लिए ट्रू है, तो हम एक एप्सिलॉन ले लेते हैं। एप्सिलॉन किस तरह का चूज कर लेते हैं, वन बाई थ्री मॉड एल माइनस एल डैश। चूंकि हमने माना है कि एल और एल डैश क्या है, कोई डिफरेंस डिफरेंट लिमिट है, तो इसका मतलब उनका डिफरेंस भी कुछ ना कुछ होगा, तो हमने उसको मान लिया एप्सिलॉन जो कि हमारा ग्रेटर देन जीरो होगा। तो हमने ये एक स्पेशल केस ले लिया, चूंकि ये हर एक एप्सिलॉन के लिए ट्रू है, तो इसके लिए भी ये ट्रू होगा। अब हम इसको मान लेते हैं, ये इक्वेशन वन है और इसको इक्वेशन टू मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, एल माइनस एल डैश, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, एल माइनस SN प्लस SN माइनस एल डैश। ठीक है, यहाँ पे SN हमने ऐड कर दिया और SN क्या कर दिया, सब्सट्रैक्ट कर दिया, विच इज़ लेस देन इक्वल्स टू इनइक्वालिटी वाली हमने डेफिनेशन लगा दी, एल माइनस SN प्लस SN माइनस एल डैश। अब यहाँ पे एल माइनस SN लिखिए चाहे SN माइनस एल लिखिए, बात एक ही है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली लेस देन ये एप्सिलॉन से, और ये भी क्या है, स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन है, तो ये टू एप्सिलॉन हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने एप्सिलॉन क्या चूज़ किया था, जिनके लिए स्ट्रिक्टली लेस देन आ रहा था, ये हमने चूज़ किया था वन बाई थ्री एल माइनस एल डैश। दिस इम्प्लाइज दैट मॉड ऑफ एल माइनस एल डैश इज स्ट्रिक्टली लेस देन टू बाई थ्री मॉड एल माइनस एल डैश, विच इज अ कंट्राडिक्शन। क्योंकि आप देखिए, अगर मैं यहाँ पे इसको अगर हटा देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा थ्री स्ट्रिक्टली लेस देन टू, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ये हमारा क्या मिल गया, कंट्राडिक्शन। इसका मतलब SN जो है वो दो लिमिट पे कन्वर्ज नहीं कर सकता, SN जो है वो एक ही लिमिट पे कन्वर्ज कर सकता है। दिस इम्प्लाइज दैट L इज इक्वल्स टू L डैश। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।